हे गाइस, स्वागत आप सभी का आज के हमारे इस फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और वो भी यहाँ पे जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमें जियो सेट टॉप बॉक्स पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लाइव टीवी का, बट लाइव टीवी यहाँ पे चलता नहीं है। जब भी हम लोग लाइव टीवी को यहाँ पे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह हम लोग को इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा रहता है कि लाइव टीवी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा केबल ऑपरेटर के द्वारा। तो आज हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये करने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जियो सेट टॉप बॉक्स के पीछे एक आरएफ पोर्ट मिलता है, जहां पे हम लोग डिश का जो केबल होता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डिश का जो केबल है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज होता है कि नहीं, या फिर यही दिखता है, या फिर हमें कुछ और यहाँ पे मैसेज देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो इसी केबल को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। ये जो है डिश टीवी का केबल है, डिश टीवी के एंटीना से कनेक्टेड है, जो कि मेरे छत पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी को जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ, उसके बाद चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या नजर आता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमने केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे केबल कनेक्टेड है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ भी हमें चेंज नहीं हुआ। तो हम जो है वापस से एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करते हैं, एक बार जो है हम सिस्टम को एक बार ऑफ करके देखते हैं, ठीक है। तो होम पे चले गए, उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो रीस्टार्ट बटन पर मैं क्लिक करके इसको रीस्टार्ट कर लिया। अब जब तक ये स्टार्ट होता है उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो गाइज, हमने यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स को जो है रिबूट कर लिया है। अभी चेक करते हैं कि हमारा आरएफ केबल यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग लाइव टीवी भी चलते हैं, और लाइव टीवी को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो अभी भी देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो प्रॉब्लम पहला था वो अभी भी है। तो हम इस बार एक बार ओके बटन को जो है प्रेस करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे जो है आरएफ सिग्नल यहाँ पे केबल चेक करने के लिए बता रहा है कि सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ओके से हम लोग स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ओके प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कैनिंग जो है डन हो गया है, लेकिन कोई भी चैनल यहाँ पे स्कैन नहीं हुआ है, नो चैनल्स हैव बीन स्कैन्ड यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा जो है वर्क नहीं कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट था हमारा वो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा, हमारा जो है यहाँ पे कोई भी चैनल देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी चैनल हमारा शो नहीं कर रहा है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने डिश टीवी के एंटीना से इसको कनेक्ट किया है, इस कारण से यहाँ पे कोई भी सिग्नल इसको नहीं मिल रहा है। बट मेरे पास यहाँ पे एक और आइडिया है। काफी सारे लोगों ने मुझे बताया, और मैंने शायद कहीं पढ़ा भी था कि जियो ने जो है वो डेन के साथ और हैथवे के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है इसके लाइव टीवी को लेकर। तो हो सकता है कि अगर हम इसमें डेन का जो कनेक्शन है, डेन का जो केबल आता है उसको लगाए तो शायद कुछ हो सकता है। तो वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करके देखेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे काम करता है कि नहीं। फिलहाल मेरे पास डेन का कनेक्शन नहीं है, बट मेरे एक फ्रेंड के पास है, तो मैं उसके घर पे जाऊंगा अपना सेट टॉप बॉक्स लेके और वहां पे चेक करूंगा कि ये वर्क करता नहीं है। तो वो आपको जो वीडियो मिलेगा वो इस वीडियो के बाद या फिर एक दो वीडियो के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही कमाल धमाल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।